एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, ये आप में से कई लोग मुझसे डिमांड कर रहे थे कि मैम आप क्या वो वापस आएंगे, कब तक आएंगे, बातचीत कब तक होगी, सेपरेशन कब ख़त्म होगा, इस पे रीडिंग करिए। तो आज आपके लिए ये रीडिंग लेकर आई हूँ मैं, ये कलेक्टिव रीडिंग है। क्या वो आपके लाइफ में वापस आएंगे, क्या वो आना चाहते हैं, क्या आपको वेट करना चाहिए या अपने लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे कुछ डेक्स मैं यूज़ करूँगी, तो शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि वो इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है, क्या प्यार है, क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला कार्ड है डोर टू रोमांस, दूसरा कार्ड है आपके लिए वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तीसरा कार्ड है स्टॉर्म वार्निंग, चौथा कार्ड है कॉर्नोकोपिया, डोर टू स्पिरिट, एंग्जाइटी, जर्नी, ऑल टाइड अप। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। फाइन, तो इस टाइम क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि उनके दिल दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। पहला तो आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, आपके साथ नो कांटेक्ट है या सेपरेशन है, इस बात से उन्हें भी तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। यहाँ पे टेंशन ले रहे हैं किसी चीज़ का, मे बी आप दोनों में सेपरेशन आया हो, पेरेंट्स ना मान रहे हो, रिलीजन अलग हो, कास्ट अलग हो, स्ट्रक फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो और ये अपने मैरिड लाइफ में हैप्पी ना हो, इस वजह से ये आपके साथ रिलेशन में आए हो, या ये भी हो सकता है कि आपके साथ ये पहले से रिलेशनशिप में रहे हो लेकिन बिकॉज ऑफ पेरेंट्स ना मान रहे हो और आप दोनों में सेपरेशन आ गया हो, या ज़बरदस्ती इनकी शादी किसी और से करा दी गई हो। तो मतलब सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। तो जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू, वो मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, वहाँ से निकलना चाहते हैं। किसी तरह का टेंशन इनके दिल दिमाग में 24 घंटे हैं, आपको मिस भी करते हैं। ये जहाँ भी स्टक हैं ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी तरह का ब्रेक थ्रू लाना चाहते हैं अपने लाइफ में, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ही ये हैप्पीनेस फील करते हैं, आपके साथ ही ये हील होते हैं, आप ही के साथ ही ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं। डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, यहाँ पे आप दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, कोई बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था रखने वाला हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे होप है आप लोगों को इस रिलेशनशिप में, इतना इंतज़ार करने के बावजूद आपने होप नहीं हारी है, और आपके पर्सन भी आपको लेकर यही सोचते हैं कि आप दोनों इस जर्नी में हैं जहाँ पे होप नहीं हारी है आप दोनों ने, आपके बारे में बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, अपना दिल थाम के बैठे हैं आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पर लव तो है, आप ही के पास उनके दिल की चाबी है, उनकी हैप्पीनेस की की, उनके लाइफ की की आपके पास है। वो शो नहीं करते, मे बी वो अपना सारा ध्यान अपने काम पे लगा देते हैं, अपने फाइनेंसेस पे लगा रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स बता रहे हैं, आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। मे बी आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो, बहुत ज़्यादा टेंशन आपने लाइफ में देखी है, लेकिन आपने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है, आपने अपने पर्सन का हमेशा इंतज़ार किया है, हमेशा उनके लिए आपने अनकंडीशनल लव किया है। नंबर 11 कॉर्नोकोपिया, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के साथ इस जर्नी में आप दोनों आगे बढ़ रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में ये जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, यहाँ पे किसी तरह का ब्रेक थ्रू ये ला सकते हैं। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। देखते हैं टैरो से क्या कार्ड्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन वापस आएंगे, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स वापस आएंगे, प्लीज़ गाइड करें। पहला कार्ड द सन का आया है, सो डेफिनेटली वापस आएंगे। चैरियट, आपके पर्सन आपके लाइफ में डेफिनेटली वापस आएंगे, और सिर्फ वापस ही नहीं आएंगे, आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट का कार्ड भी हमारे पास आ गया है। एस ऑफ पेंटिकल्स सबसे सॉलिड कमिटमेंट का कार्ड होता है, पेंटिकल्स की एनर्जी सबसे सॉलिड होती है, या तो ये देते नहीं हैं, और अगर देंगे तो ये कमिटमेंट देंगे, मतलब एक तरह से होता है ना, जब एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता वाला सिचुएशन हो सकता है। सो यहाँ पे ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये वापस आना चाहते हैं आपके लाइफ में, एक्शन लेना चाहते हैं, हैप्पीनेस आपके साथ है इनकी, और ये बहुत स्पीड से वापस आ रहे हैं। डेविल एनर्जी जो भी है इनके लाइफ में, जिसकी भी वजह से ये ऑन एंड ऑफ करते थे, यहाँ पे ये वहाँ से निकल सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर्स, या डिवोर्सी हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हैं। अगर आपकी पार्टनर फीमेल हैं, आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे इमोशनली ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। मे बी इनके लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जिसकी वजह से ये नहीं निकल पा रही हैं उस सिचुएशन से, लेकिन स्टिल आपके पर्सन आपको स्पाई करते हैं, बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं। ये जो भी डेविल एनर्जी है, इसे ये ख़त्म करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं। कार्मिक सिचुएशन जो भी है, या कोई कंट्रोलिंग है, या इनकी खुद की कोई बैड हैबिट्स हैं, ये उससे बाहर निकल रहे हैं, यहाँ पे एंडिंग हो सकती है। आपके साथ ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहा है, ये अक्सर आपके लाइफ में आ जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पाते, और इसका एक ही रीज़न है कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों इस जन्म से पहले भी साथ में रहे हो, और आगे पिछले कई जन्मों से आप साथ में हो, जिस वजह से हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, कोई यंगर हो कोई एल्डर हो। मूव ऑन करने की सोच के भी अगर आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, अगर आप लड़ाई करने के बावजूद भी उनके बारे में बुरा नहीं सोच पाते हैं, कभी उन्हें ब्लेम नहीं कर पाते, कभी उन्हें आप कोस नहीं पाते, कभी आप उन्हें ऐसा नहीं कहते कि उन्हें भी कर्मा मिलेगा एंड ऑल, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है, अगर आज भी आप उनसे प्यार करते हैं, अगर आज भी आपके लिए उनके दिल में और आपके दिल में रिस्पेक्ट है, तो उसका रीज़न है कि आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हैं, या कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। सोल से कनेक्टेड हैं, इसलिए आप उनकी हर गलतियों को माफ़ कर देते हैं, चाहे उन्होंने कितना भी आपको तकलीफ़ दिया है, कितना भी रुलाया है, हर्ट किया है, या आपको चीट किया है, धोखा दिया है, फिर भी आपने इन्हें माफ़ करा है। ये अब इस डेविल एनर्जी से मूव ऑन करने वाले हैं, बहुत जल्द एंड कर सकते हैं इस सिचुएशन को। अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, और आपकी तरफ एक स्टेबल
कमिटमेंट आपको ये देंगे, इनके मन में ये चल रहा है, डेफिनेटली वापस आएंगे। चैरियट का कार्ड है विद द सन, सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। देखते हैं कितना टाइम लग सकता है इन्हें आपकी तरफ वापस आने में, कितना वेट करना है आपको इनका। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स को कितना वक्त लग सकता है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में वापस आने में। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। यहाँ पे टू नंबर इम्पॉर्टेंट है। विद इन टू मंथ आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स वापस आ जाएंगे, विद इन टू वीक्स, टू मंथ या टू वीक्स। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स। अभी इस टाइम दो सिचुएशन में आपके पर्सन जगल कर रहे हैं, मे बी मैरिड हो सकते हैं या पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लेकिन इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, किसी से भी ज़्यादा बातचीत नहीं है, घुलना मिलना नहीं है। इस समय ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको खोना नहीं चाहते। जिस भी रीज़न से आप दोनों में दूरियां हैं या सेपरेशन है, ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, उदास हैं बहुत ज़्यादा। साथ ही साथ सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, किसी भी तरह की हैप्पीनेस नहीं है इनके लाइफ में। अगर ये सिंगल हैं तो भी, अगर ये मैरिड हैं तो भी, इनके लाइफ में किसी तरह का हैप्पीनेस नहीं है। साथ ही साथ ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते। इन्हें लग रहा है इनके अंदर एक डर है कि ये आपको खो देंगे, या आपसे बहुत टाइम हो गया, अब आप मूव ऑन कर गए होंगे, या इस तरह की सिचुएशन इनके साथ हो रही है। ये आपके साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, ये आपके साथ जो भी गड़बड़ हुआ है सब ठीक करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, सो बैलेंस में ये आएंगे बहुत जल्द। टू नंबर इम्पॉर्टेंट है, टू आवर्स, टू डेज, टू वीक्स। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अपने पार्टनर के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। अपॉर्चुनिटी, आपके लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। द सन का कार्ड भी आया था, आपके लाइफ में अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अपॉर्चुनिटी सब आएगी। पीसफुल रिजोल्यूशन, किसी चीज़ में बीच का रास्ता निकल सकता है। आस्क योर एंजल्स, अपने एंजल्स से बोलें अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप अपने एंजल्स को बोल के रिलीज़ कर दें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मेडिटेट करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होगा। और लास्ट कार्ड है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, आते ही आपका रियूनियन होगा। सबकी डेस्टिनी अलग होती है, सबका कर्मा अलग होता है, सबका सिचुएशन अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग ज़रूरी नहीं है कि सबका टू आवर्स या टू डेज़, किसी का टू वीक्स भी लग सकता है, किसी के में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो टू मंथ भी लग सकता है, लेकिन आपके पर्सन वापस ज़रूर आएंगे, दैट इज़ श्योर। परफेक्ट टाइमिंग पे आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो, किसी तरह की
एक तसल्ली मिली हो कि हाँ क्या मेरे पर्सन वापस आएंगे। सो अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।